ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसिनु अमाअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين، من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وتقدس في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات على محمد. تاريخ اور شب اس ذات سے منسوب ہے کہ جو مجسم عبادت، جس کی ذات جلوگاہ ہے، بندگی پروردگار ہے، خداوند عالم کی جانب سے جو منصب اور عہدے قرار دیے گئے ہیں، ان میں کچھ منصب جو رسمی ہیں، جن کو خاص طور پر عہد و پیمان الہی کہا گیا، جیسے نبی ہونا، امام ہونا، یہ سب کے لیے ممکن نہیں ہے. خداوند عالم جسے چاہتا ہے اسی کو نبی، رسول، امام بناتا ہے. نہ کوئی کوشش کر کے، محنت کر کے نبی امام بن سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو نبی یا امام بنا سکتا ہے. یہاں تک کہ رسول اللہ نے بھی امیر المومنین کی ولایت و امامت کا اعلان کیا تو اللہ کے حکم سے، خود رسول بھی اپنی طرف سے کسی کو امام نہیں بنا سکتے. ظاہر ہے یہ بات بہت واضح ہے اور ہم سب جانتے ہیں اور ہم سب کا یہ عقیدہ بھی ہے. لیکن جو رسمی اور منصبی عہدے ہیں، ان کے علاوہ بہت سے کمالات ایسے ہیں جس میں خداوند عالم کی طرف سے ایک عام دعوت ہے. ظاہر ہے کہ اس میں کوئی نبی یا امام کی برابری تو نہیں کر سکتا، لیکن ایک سطح تک، ایک درجے تک کچھ نہ کچھ حصہ اس صفت اور کمال کا ہر انسان میں آ سکتا ہے. جیسے علم ہے، تقویٰ ہے، صبر ہے، شکر ہے، شجاعت ہے، اور ان تمام اوصاف کے علاوہ خصوصیت کے ساتھ عبادت کی فضیلت ہے. بلکہ یہ تو انسان کی خلقت کا مقصد ہی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ہم نے انسان اور جنات کو پیدا کیا ہی نہیں مگر یہ کہ وہ بندگی کریں. جب آپ کو میں خود سیدھے نظر آ رہا ہوں انشاءاللہ تو اس کی زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی. آپ لوگ ہماری طرف توجہ رکھیں، صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد کی بارگاہ میں. آواز انشاءاللہ اگر اچھی آ رہی ہے تو صحیح ہے. صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد کی بارگاہ میں.
बहरहाल असल नकल से बेहतर ही होती है। तो इबादत इंसान की जिम्मेदारी भी है, इंसान की इंसानियत का तकाजा भी है, इंसान की बुलंदी का मेयार भी है और इंसानी कमाल की मेराज भी है। ये जितने अल्फाज मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ फिर अर्ज़ करूँगा कि ये भी लफाजी नहीं है या कुरान की आयतें हैं या रिवायतें हैं, बहुत बड़े मज़मून का नतीजा है। इंसान की इंसानियत का तकाजा भी है, जिम्मेदारी भी है, कमाल भी है, कामयाबी भी है। इबादत के लिए अल्लाह ने सबको पैदा किया है। जल्दी जल्दी ज़रा गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। इबादत करने वालों में कौन कौन है? हमने अभी अर्ज़ किया, हर कोई नबी नहीं बन सकता, हर कोई इमाम नहीं बन सकता, हर कोई रसूल नहीं बन सकता। तो नबूवत में, रिसालत में, इमामत में मखसूस अफराद हैं जिनको खुदावंद आलम की जानिब से मुअय्यन किया गया है। लेकिन इबादत के दायरे में कौन कौन आ सकता है? इबादत के दायरे में ज़ाहिर है कि नबी तो होंगे, रसूल तो होंगे, इमाम तो होंगे, वली तो होंगे, इनके अलावा आम दुनिया के जितने भी मोमिन हैं, जितने भी मुसलमान हैं, सिद्दीक, शहीद, साले, अव्वलीन से लेकर आखरीन तक, हज़रत आदम से लेकर ख़ातमुल अंबिया तक, ख़ातमुल अंबिया से लेकर क़याम क़यामत तक, जितने भी नेक इंसान होंगे वो इबादत के फरीज़े को अंजाम देंगे। बहस अफजलियत की नहीं है, खुसूसियत की है। इबादत करने वाले तो हज़रत आदम भी, जनाब नूह भी इबादत गुजार बंदे अल्लाह के, जनाब इब्राहिम भी अल्लाह की इबादत गुजार बंदे, ईसा और मूसा भी खुदावंद आलम की इबादत करने वाले ख़ास बंदों में हैं, रसूलुल्लाह भी मौलाए कायनात से लेकर बारहवें इमाम तक और इनके साथ जितने इनके पैरोकार हैं सब के सब इबादत करने वाले हैं। मगर अव्वलीन व आखरीन में तमाम इबादत गुजारों की कोई जीनत बन सकता है तो सैयद सज्जाद का वजूद। सलवात पढ़ मोहम्मद वाली इमाम की बारगाह में अंत ज़ैनुल आबिदीन, जिसके लिए खिताब दिया जाएगा, तुम तमाम इबादत गुजारों की जीनत हो, तुम सैयदुस साजिदीन हो। ठीक है, ये जाहिर है कि आज की शब है तो इस मुनासिबत पर कम अज़ कम इशारा तो इस रुख की तरफ होना चाहिए कि खुदावंद आलम ने ये ख़ास मौाक़े ख़ास बंदों को दिए हैं। अइमे मासूमीन की ज़िंदगी, यूँ तो हर इमाम अपने ज़माने में अपने ज़माने का जानशीन रसूल है, जिसका किरदार मुहम्मदी किरदार है, जिसकी ज़ात और जिसके सिफात अलवी सिफात हैं, मगर सिफत और कमाल जाहिर करने के मौके ज़माने की ज़रूरत के अतबार से अलग अलग रहे हैं। जैसे ज़माने की ज़रूरत थी, जैसे ज़माने के तकाजे थे, उसी एतबार से कमाल और सिफत अइम्मे मासूमीन की ज़िंदगी से जाहिर हुए हैं। बात को तूल देने की ज़रूरत नहीं है, इमाम हुसैन की जगह पर इमाम हसन होते तो क़ियाम फरमाते और इमाम हसन की जगह पर इमाम हुसैन होते तो वही काम फरमाते, वही अमल अंजाम देते जो इमाम हसन ने अंजाम दिया है। इनमें से हर एक अपनी जगह पर अपने ज़माने का मुहम्मद है। ज़माने रंग बदलता है तो इमामत अपने किरदार से ज़ुल्मतों का मुकाबला करती है, वरना इनमें से हर एक सैयद शहदा जैसा है, हर एक मुश्तबा जैसा है, हर एक ज़ैनुल आबिदीन है, हर एक सादिक है, हर एक काजिम है। ज़माने की ज़रूरतें अलग हैं तो इनके कमाल अलग अलग जाहिर होते हैं। सलवात पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद। खुदावंद आलम की इबादत और उसकी बारगाह में सबमिशन का जज्बा, जज्बे तस्लीम, इस उनवान पर हमारी कुछ पराकंदा गुफ्तगू गुज़िश्ता तीन शबों से रही और आज ये इस सिलसिले का आखिरी ज़िक्र है। इंसान जब खुदा की बारगाह में उसके अहकाम के आगे दिल से मान कर सर झुका कर जज्बे तस्लीम का इजहार करता है तो खुदावंद आलम भी उसे बुलंद कर देता है। इबादत अल्लाह की, बंदगी उसकी और उसकी बारगाह में तस्लीम हो जाना, दिल से मान लेना, हमारा अमल भी मर्जी परवरदगार के अतबार से हो, और जब ये मरहला आगे बढ़ता है तो अमल से बनकर बढ़कर जज्बात इतने पाकीज़ा हो जाएं, ख्वाहिशात
और अपनी विशेष अपनी पसंद अपने मंसूबे इलाही निजाम के तहत हो जाएं तो क्या होता है दुनियावी एतबार से। हदीस है, बहुत मशहूर हदीस है और इसी मफहूम में कई तरह के अल्फाज हमें रिवायतों में मिलते हैं, कई तरह के जुमलात मिलते हैं। मन खाफ अल्लाह खाफ अन्नास मिन्हु, जो खुदा से डरता है लोग उससे डरते हैं, और जो खुदा से नहीं डरता वो दुनिया में हर एक से डरता है। तवज्जो करें आप, मैं बिल्कुल मरबूत कर रहा हूँ हमारी और आपकी अमली ज़िंदगी से। जो खुदा से डरे लोग उससे डरते हैं, वो क्यों डरे लोग? अगर मोमिन खुदा से डर रहा है तो मोमिन कोई डरावनी चीज़ थोड़ी है। मोमिन खुदा ना खास्ता कोई नुकसान पहुँचाने वाली ताकत शख्सियत थोड़ी है। यही बात खुदा के लिए भी है, खौफ खुदा, खौफ खुदा में खुदावंद आलम से डरने की ज़रूरत क्या है? वो तो अरहमुर रहीमीन है, उसने अपनी मोहब्बत के 100 बाब 100 दरवाजों में से एक दरवाजा अपनी रहमत और मोहब्बत का पूरी दुनिया में बांटा है। ये जो भाई भाई में मोहब्बत है, माँ बाप में मोहब्बत है, माँ और बच्चे की मोहब्बत है, और दुनिया की जितनी मोहब्बतें हैं, दुनिया की तमाम मोहब्बतों को समेट कर देखा जाए तो कहा गया है कि ये परसेंटेज में हम बात करें सादा करके गुफ्तगू को तो 1% है, और जो बाकी 100% मोहब्बत है अल्लाह ने वो अपने पास रखी है बंदों के हवाले। खुदावंद आलम अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करता है, कितना रहीम है, कितना करीम है, अल्लाह अकबर। और कभी मायूस भी नहीं होना चाहिए, यहां तक कि जो इंसान गुनाह करता है, कहा गया कि एक गुनहगार जब खुदा की बारगाह में लौट कर आता है तो खुदावंद आलम की खुशी ऐसे है जैसे कोई इंसान, कोई शख्स अपनी सबसे ज्यादा कीमती और पसंदीदा शय को खो देने के बाद पाले। बाज़ हदीस में अगर मेरे बंदे मेरी मोहब्बत को और मेरे इश्तियाक को जान लेते तो वो मुझसे मिलने और मुझसे राबेता करने के लिए अपनी जान दे देते और तैयार नजर आते। ठीक है, खुदावंद आलम रहीम, तो खुदावंद आलम से खौफ करने की जरूरत क्या है? कहा कि नहीं, खौफ कई तरह का हो सकता है। एक खौफ इंसान गुनाह करके जहन्नम से डरता है, और कई तरह के और खौफ हो सकते हैं। खुदावंद आलम से खौफ का मतलब अजाब अलीम से खौफ, या उसके अलावा किबरियाई की हैबत, बुजुर्गी और उसकी अजमत के मुकाबले में अपनी जानिब से खशियत हम्बलनेस की इंतहा का इजहार है। हमेशा खौफ गुनाह के बदले में नहीं है, बहुत सी बातें ऐसी हमारी अपनी जिंदगी में भी हो सकती हैं। हो सकता है कभी इस रुख से आपने सुना हो, आप एक सजदे में गए, सजदे से उठ के बैठे, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी वअतूबु इलैह, परवरदगार मुझे माफ़ कर दे। नमाज में हम कहते नहीं वाजिब नहीं है, मुस्तहब है, रिकमेंडेड है। अच्छा, आपने क्या जुर्म कर दिया? इस्तग़फार कर रहे हैं, खुदाया मुझे माफ़ कर दे। ये फ़लसफ़े नमाज में नुक्ता बयान किया जाता है कि नमाज के एक एक अमल का जो फ़लसफ़ा बयान किया गया है उसमें आप सजदा करके बैठे, खुदाया मुझे माफ़ कर दे, खुदाया मुझे माफ़ कर दे। सवाल है कि आपने क्या गलती कर दी? अभी तो सजदा किया है, जब सजदा कर रहे थे तो बावजू भी थे, तहारत से भी थे, रूबा क़िबला भी थे, और नमाज की हालत में थे। नमाज मोमिन की मेराज है, तो नमाज की मेराज सजदा है, और सजदा खुदा से करीब तरीन हालत का नाम है। जब इंसान अपनी पेशानी को हमारे नज़र अकीदे और फिक्र के एतबार से ज़मीन या मिट्टी पर रखता है, खुसूसन खाके शवा पर रखता है, तो और फिर सजदे में, तो जाहिर है कि ये वैसे आपके सामने मैं खुद अर्ज कर चुका हूँ, मुझे याद है, तफसील में इस वक्त नहीं जाना है कि सजदे में क्या होता है। सजदे में आप कुछ पढ़ते हैं, कुछ करते हैं। सजदे में सिर्फ पढ़ते नहीं है, सजदे का मतलब सिर्फ सुभान रब्बी अला व बिहम्दि नहीं है, बहुत कुछ करते हैं आप सजदे में। इस जिक्र के अलावा भी आप सजदे में क्या करते हैं? पेशानी जमीन पे रखते हैं, और फिर अपने बदन के 7 आज़ा को, पेशानी के अलावा 6 आज़ा को जमीन पर रख देते हैं, और फिर आप इन आज़ा की खसूसियत देखें। कदम का काम है खड़े होना, घुटनों के जरिए से इंसान इस्तेकामत हासिल कर सकता है। हाथ इजहार कुव्वत और ताकत के इजहार का की निशानी है, जरिया है। पेशानी इंसान की शान और शौकत और इज्जत जाहो हशम की निशानी है। अब तस्वूर तो करें सजदे में क्या होता है। हमने कदम रख दिए कि मैं चलने की ताकत भी नहीं रखता, चलने का इजहार भी नहीं करता, घुटने भी टेक दिए, हाथों को भी, जंग में कोई सोल्जर सरेंडर करता है तो बस 2 हाथ उठाता है। हम सजदे में जाते हैं, सिर्फ 2 हाथ नहीं उठा रहे हैं, दोनों हाथों को भी जमीन पर रख दिया, घुटनों को भी, पैरों को भी, पेशानी को भी। और फिर आप ये भी तवज्जो करें कि सजदे में जितना स्पेस आप ऑक्यूपाई करते हैं, जितनी जगह ले रहे हैं, वो कमतरीन जगह है।
आप लेटते हैं तो कुछ ज्यादा स्पेस का ऑक्यूपाई करते हैं, आप खड़े हों तो अलग कैफियत है, बैठे तो अलग कैफियत है, सजदे में कम से कम जगह यानी बहुत फिजिकल एतबार से भी बहुत छोटे कर लेते हैं अपने आप को। फिर उसके बाद कहते हैं सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे, बरतर है मेरा बुलंद तरीन परवरदिगार। ठीक है, ऐसी सजदे की हालत से आप उठकर बैठे, खुदाया मुझे माफ कर दे, आपने क्या गलती कर दी, क्या जुर्म कर दिया था, कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया सजदे में जाके, आप जवाब देंगे नहीं नहीं मौलाना साहब, इस्तिग़फ़ार तो करते रहना चाहिए, हर हाल में इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। ठीक है, यहां कोई वजह होगी, का वजह बयान ये की गई है कि वजह इसकी ये हो सकती है कि इंसान जब सजदे में जाता है तो खुदावंद आलम खालिक है, राजिक है, रहीम है, करीम है, मेहरबान है, बहुत अता करने वाला है, बंदों से बहुत बेपनाह मोहब्बत करने वाला है, वो रब है, वो सब कुछ लेने वाला है, वो खालिक है, उसके खालिक होने और उसकी रुबूबियत का तकाजा तो ये था कि एक बार हमने सजदे में सर झुका दिया तो सजदे से सर ना उठाते, तकाजाए रुबूबियत तो ये था कि हम सजदे से सर ना उठाते, सजदे से सर उठाने के बाद हम कहते हैं अस्तग़फ़िरुल्लाह, खुदाया मुझे माफ कर दे, ये खुदाया माफ कर दे। आप यहां माफी मांग रहे हैं, ये जुर्म और गुनाह और क्राइम की बुनियाद पर नहीं है, उसके अहले इबादत होने और उसकी किबरियाई के सामने है और मुकाबले में है। इसीलिए इमाम मासूमीन की जिंदगी में आप दुआए कुमैल में सहीफा सज्जादिया की दुआ में इतने इस्तिग़फ़ार, इतनी बार खुदा से मग़फ़िरत की दुआ मांगना, माफी मांगना, हर मुआफी गुनाह के बदले में नहीं होती, इस्तिग़फ़ार का एहसास और इजहार इस जज्बे का ऐलान होता है कि मेरे मालिक मैं जो कुछ कर रहा हूं तेरी रुबूबियत के एतबार से बहुत कम है, तू अजीम तर है, तू बुलंद तर है। सलावात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह में। तो बहरहाल जब इंसान खुदा से डरता है, मन खाफ अल्लाह खाफ अन्नास मिन, लोग उससे डरते हैं। डर दो तरह का हो सकता है, एक डर बादशाहत का, पावर का, दौलत का, हुकूमत का, जुल्म का। कहा गया है कि पनाह हो ऐसी इज्जत से जो लोग डरकर आपकी इज्जत करें। ऐसा भी होता है कि लोग आपके किसी के, आपके में क्यों मिसाल दूं, मिसाल में भी आपके क्यों कहूं, आप बुरा ना मान जाएं, लोग किसी की इज्जत करें उनके शर से बचने के लिए, भाई इसको रेस्पेक्ट करो, खामखा कहीं ये नुकसान पहुंचा सकता है, ये जबान से नुकसान पहुंचा सकता है, ये आपको माली नुकसान पहुंचा सकता है, ये आपके खानदान पे कोई नाम धब्बा लगा सकता है, आपकी जॉब को इफेक्ट कर सकता है, तो लोग शर से बचने के लिए भी कभी किसी से डरते हैं, किसी का एहतराम करते हैं। ये तो बदतरीन कैफियत है, ये इज्जत नहीं है, ये जिल्लत की इंतहा है। लेकिन एक खौफ वो होता है जो हैबत का खौफ है, जहां पर लोग डरते हैं। ये डरना उस माने में नहीं कि आपसे कोई शर पहुंचेगा उनको, उसे उन्हें कोई तकलीफ पहुंचेगी, तकलीफ पहुंचने के एतबार से नहीं, बल्कि ईमान और बंदगी परवरदिगार की एक हैबत होती है। तवज्जो करें आप, और मैं समझता हूं कि ये आम लोगों में भी है। देखें, एक ताकत नमाज की, आज़ादारी की, तिलावत की, जियारत की, जिन जो आला दर्जे के नमाजी हैं, जो आला दर्जे के कुरान पढ़ने वाले हैं, आइम्मे मासूमीन और उनके बाद उनके चाहने वाले, उनका तो मेयार है ही, बल्कि मेरा ये मानना है, अगर ये गलत लगे आपको तो बाद में इसमें आप बात कर भी सकते हैं या ना भी माने कोई बात नहीं, यहाँ तक कि मुझ जैसे गुनहगार हम लोगों की नमाजों का भी, दुआओं का भी कुछ न कुछ, अब वो कितने परसेंटेज में है पता नहीं, लेकिन एक हैबत और एक असर खुदावंद आलम हमारी रूह, हमारे चेहरे और हमारे वजूद में डालता है, कम अज कम थोड़ी बहुत भी। और ये शायद हम लोग इसको महसूस नहीं कर पाते, दूसरे लोग महसूस कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है आपके चेहरे का रंग जैसा भी हो, लेकिन वो जिनको इबादतों का शौक नहीं है, जिनको इबादतों से ताल्लुक नहीं है, वो आपकी हैबत को आपके वजूद के साथ महसूस करते हैं, कभी उन्हें भी पता नहीं चलता। इसका असर होता है, आम लोगों की जिंदगियों में भी होता है। फिर आप आगे बढ़ें तो जाहिर है कि कोई मुत्तकी परहेजगार हो, कोई मोमिन हो, कोई आलिम भी हो, मुत्तकी भी हो, परहेजगार भी हो, बहुत ज्यादा मिसालें बयान करने की जरूरत नहीं है। हमारे मराजे बड़े बुजुर्ग होते हैं, नहीफ हैं, कमजोर हैं, इमाम खुमैनी को गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं सहवाग वाले सिपाही, एक बूढ़ा कांपता हुआ शख्स है, उसके चेहरे पर बल नहीं है, वो बड़ा मुतमइन है, और कैद करके ले जाने वाले कांप रहे हैं, और हद ये है कि वो खुद उन्हें तसल्ली दे रहे हैं, भाई घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, आराम से रहो, कैदी तसल्ली दे रहा है और कैद करने वाले कांप रहे हैं,
इसको कहते हैं सैयद सज्जाद के मानने वाले, इन्हें कहते हैं सैयद सज्जाद के नक्शे कदम पर चलने वाले। इमाम तो इमाम, इमाम के शागिर्द जब गुलाम की ये ताकत होती है तो आका का क्या मामला होगा। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह में। इमाम मुश्तबा की हदीस है, इमाम मुश्तबा का कौल है, अगर किसी को मन अरादा अरादल इज्जा बिला अशीरतिन वल हैबता बिला सुल्तानिन فخرج من ذل معصية الله الى عز طاعة الله। जिस किसी को शौक है, ख्वाहिश है, कोई ये विश करता है कि उसको लोग उसकी इज्जत करें बगैर किसी फैमिली बैकग्राउंड के, होता ना ये बाज़ औक़ात फैमिली स्टेटस है, सोशल स्टेटस है, लोगों की पहचान है, उस एतबार से लोग रिस्पेक्ट करते हैं। क्या किसी को रिस्पेक्ट चाहिए दुनिया की इन तमाम चीज़ों से हट कर, और कोई चाहता उसकी जिंदगी में हैबत हो। हैबत फिर मैं कहूंगा नेगेटिव खौफ नहीं है, लोगों को डर बिठाना, धौंस जमाना नहीं है, बल्कि एक रेस्पेक्ट लोगों से लेना है। हैबत बिला सुल्तान, आपके पास हुकूमत नहीं है, फौज नहीं है, लश्कर नहीं है, ताकत नहीं है, ओहदा नहीं है, मनसब नहीं है, फिर भी आपको हैबत चाहिए है, तो इमाम फरमाते हैं, इमाम मुश्तबा का कौल है, आपने यकीनन सुना होगा, ये तुम्हें चाहिए है तो अल्लाह की नाफरमानी की जिल्लत से निकलो और अल्लाह की ताअत व बंदगी की इज्जत में आ जाओ। अगर तुम अल्लाह की ताअत करो, फरमान इलाही का पास करो, तो खुद ब खुद इज्जत मिलती है बगैर किसी फैमिली और कबीले या दूसरे सोशल स्टेटस की बुनियाद पर, या हुकूमत और दौलत के बगैर भी तुम्हें मिल सकता है ये। और इसके पीछे जाहिर है कि ये बातें हमारी कॉमन सेंस के जरिए से भी कन्विंस करने वाली हैं, हमें समझाती हैं ये बातें, हमें समाहवारी समझ में बातें आती हैं। कुरान मजीद पढ़े आप इसी तस्वूर में, यानी इसी कॉन्सेप्ट को, कि किरदार ईमान तकवा और राह तकवा में सबात कदम, ये जो सब्र, सब्र हम कहते हैं ना, सब्र सिर्फ मुसीबत में नहीं है, और सब्र का मतलब एक कॉर्नर में सिर झुकाकर घुटनों में सर रख के बैठ जाने का नाम सब्र नहीं है। सब्र का मतलब है आप अपने वैल्यूज और अपने प्रिंसिपल्स पर डटे रहें, खड़े रहें, रुके रहें, कभी मुसीबत के सामने, और बाज़ोकात मुसीबत पर सब्र करना फिर भी आसान है, बाज़ो खुशियों में नहीं सब्र कर पाते, फूले नहीं समाना, हद में नहीं होते प्रॉब्लम्स के वक्त, तो फिर भी ठीक हैं, जरा सा हालात जिंदगी के अच्छे हुए, अब जो है वो उनके लिए अपना बदन और अपना स्किन, अपनी खाल कम पड़ रही है, वो हद से तजावुज कर जाते हैं। और इसके लिए हमारी, हम सब की जिंदगी में मिसालें हैं। लोग कहते नहीं भाई अब ये जमाने में तो ऐसा चलेगा, मिसाल अब अच्छे दिन हैं, अब थोड़ा सा तो इंजॉय करने दें, जहां से हुदूद शरीयत का सब्र खुशियों में भी चाहिए है, इसी तरीके से सब्र गुनाह के मुकाबले में चाहिए है। ठीक है, तो कुरान मजीद से मैं आपको मिसाल दे रहा था कि एक खातून ने, जुलेखा जिसका नाम है, हजरत यूसुफ को गुनाह की दावत दी, हजरत यूसुफ ने इनकार किया, और हजरत यूसुफ को शराफत और बेगुनाही के जुर्म में कैद में डाला गया। मैं जरा सा भी तफसील में जाऊंगा वक्त बहुत निकल जाएगा, यानी बेगुनाह सिर्फ नहीं थे, शराफत की इंतहा थी, और शराफत की इंतहा को भी जालिम दुनिया जुर्म बनाती है, सजा देती है, और आज तक ये सिलसिला चलता है। कितने बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं जो आजाद घूम रहे होते हैं क्या, बल्कि वो मजलूमों को सजा देते हैं। ठीक है, हजरत यूसुफ, और उसके बाद पूरा सिलसिला चला, हजरत यूसुफ रिहा भी हुए, बुलंद भी हुए, अजीज मिस्र भी बन गए, मानवी और स्पिरिचुअल स्टेटस के अलावा दुनियावी एतबार से भी हुकूमत में बहुत बड़ा पोस्ट और मुकाम मिला। तो उस खातून ने कहा कि इन्नल हिर्सा व शहवता तुसीरुल मुलूक अबीदा, हिर्स और शहवत, ख्वाहिश नफ्स बादशाहों को गुलाम बना देती है, और वसब इन सब्र व तकवा युसीरुल अबीदा मुलूक, किरदार की पाकिजगी, इस्तकामत, ईमान और तकवा गुलामों को बादशाह बना देती है। उर्दू जबान में कोई पुराना शेर है ना, ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए, और कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए। ठीक है, जनाब यूसुफ ने जवाब दिया, इन्नल्लाहा ला युदीउ अजरल मुहसिनीन, खुदावंद आलम नेक काम करने वालों के अज्र को जाया होने नहीं देता। कहने का मतलब यह है कि बंदगी परवरदिगार राह नबी और राह इमाम और राह करबला और राह अहले बैत पर साबित कदम रहने से सिर्फ आखिरत ही नहीं मिलती, दुनिया में भी बुलंदी मिलती है।
इसीलिए ये जो हैबत बंदगी परवरदगार है, ये अज़ाए इमाम हुसैन का जो शरफ है, दरे अहले बैत की गुलामी की जो सनद है, खवातीन के लिए दरे जनाब सैयदा की कनीजी की जो सनद है, ये दुनिया की बादशाहतों पर भारी है। इसीलिए हम दुनिया के बादशाहों को याद नहीं करते, अली के गुलाम कमर का नाम नक्श दिल कर लेते हैं, जनाब फिजा को जिंदगी भर खराज पेश करते ही रहते हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह में। तो जो इंसान खुदा से डरे, लोग उससे डरते हैं, दुनिया उससे डरने लगती है। ये डरना अगर जालिम है तो हक से डरेगा ईमान से, और जालिम नहीं है तो आम लोग भी उस हैबत से मुतासिर होते हैं। ये आम मोमिन के दर्जे में भी हो सकता है, आलिम मुत्तकी परहेजगार बुलंद दर्जा मोमिन, फिर औलियाए खुदा, फिर उसके बाद आप आइम्मे मासूमीन की जिंदगी में आए। मैं बेपनाह मिसालें आपकी खिदमत में अर्ज करूं, आप खुद जानते हैं, जरूरत नहीं, वक्त बहुत निकल जाएगा। कभी कत्ल करने वाला कातिल कांप रहा है, कत्ल होने वाला नमाज शुक्र अदा करके तैयार हो रहा है। आप जनाब मुस्लिम इब्न अकील की जिंदगी देखें, मीसा मेतमार की जिंदगी देखें, हुजर इब्न उदई अमीरुल मोमिनीन से आखिरी मौके पर मिलने वालों में से एक हुजर है। हुजर वो वक्त कैसा होगा जब तुमसे कहा जाएगा मुझ पर सब बतान करो, मौला मैं आप पर सब बतान करूं। अमीर मोमिनीन ने बशारत दे दी कि तुम्हें हुक्म दिया जाएगा, गोया हुजर ने वादा किया, मौला ये मुमकिन नहीं है। और उसके बाद तारीख में बताया गया है कि हाकिम शाम मुआविया ने जब जनाब हुर और उनके कुछ साथियों को गिरफ्तार किया था तो कहा कि तुम्हें जान बख्शने की एक चांस दी जाती है, तुम्हें एक मौका दिया जाएगा, तुम चाहो तो जान ले लो। उसने कहा इस मौके की तलाश कहाँ है, मैं तो अमीरुल मोमिनीन की जिंदगी के बाद शहादत के बाद इतने दिन जी लिया, ये भी ज्यादा जीना था, मुझे ऐसे चांस की कोई जरूरत नहीं है, मुझे इस मौके के फायदा उठाने की कोई जरूरत नहीं है। कहा अच्छा तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा, इसमें कौन सी बात है। जनाब कंबर का भी ऐसा ही कलाम है, जनाब इसी से मिलता जुलता, जनाब मीसा में तमार के हवाले से भी एक जगह पे हज्जाज पूछता है आखिर तुम इतनी मोहब्बत अली से क्यों करते हो, इतना इश्क अली से क्यों जाहिर करते हो। कुरान की सैकड़ों आयतें, रसूलुल्लाह की सैकड़ों हदीस, दसों तरह की लॉजिक पेश कर सकते थे, एक ही लाइन की लॉजिक, एक ही जुमला कहा, तुम अली से बेहतर पेश कर दो मैं छोड़ दूंगा अली को, कोई किरदार अली से बेहतर पेश कर दो तो मैं छोड़ दूं। हुजर इब्ने उदय के लिए कहा गया कि अच्छा तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा, अब जल्लाद को बुलाया जा रहा है, अच्छा हम सबको कत्ल किया जाएगा, ठीक है सबको कत्ल किया जाएगा, तो ऐसा करो पहले मेरे बेटे को मेरे सामने। किसी ने ताना दिया, अरबी कहावत का इस्तेमाल करते हुए, हुजर बड़ी जल्दी है बेटे का दांत देखने की, कहा कि हाँ एक तो ये कि मैं अपने मौला के इश्क में बेटे का दाग भी देख लूं, दूसरे कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी गर्दन पर चलती तलवार देखकर मेरे बेटे का इरादा कोई कमजोर हो जाए, तो मैं चाहता हूं कि पहले ही इस मसले को भी हल कर दूं। हाँ हाँ इतना जरूर है कि जब मुझे शहीद कर देना, देखें मैंने अर्ज किया दो रकत नमाज शुक्र, उसके बाद जनाब हुजर ने कहा मुझे दो रकत नमाज शुक्र बजा लाने की इतनी मोहलत दे दे जल्लाद। उसके बाद कहा कि हाँ देखो जब मेरे सर को जुदा करना तो मेरे सर से खून को साफ ना करना, जब मुझे दफनाया जाए तो मैं खून आलोद लिबास और उसी हालत में मैं मौला की खिदमत में जाऊं ताकि मैं सबूत दे सकूं मौला मैंने जो वादा किया था उसे वफा कर दिया। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह में। जो खुदा से डरता है दुनिया उससे डरने पर मजबूर होती है, इसके सामने बेमिसाल और बेशुमार मिसालें पाई जाती हैं। मैंने ये सब चीज़ें अर्ज़ की हमारे और आपके ईमान को ताज़ा करने के लिए, और ख़ुसूसन आज की जो शब है सैयद सज्जाद आमतौर पर मरसियों में सलाम में नौहों में अशार में बीमार करबला बेकस व लाचार गरीब, यकीनन बीमार थे बेकस थे लाचार थे, इसका मतलब ईमान को कमज़ोर समझना नहीं है। सैयद सज्जाद कमज़ोर किरदार का नाम नहीं है। कल हमने मसायब के आखिरी हिस्से में अर्ज किया था कि जो जनाब अबुल फजल अब्बास की शुजात और सब्र की इंतहा है जिसे तसव्वुर नहीं कर सकते थे जनाब अबुल फजल अब्बास, इम्तिहान सैयद सज्जाद उस आखिरी मंजिल से शुरू होता है, कोई मामूली बात है। अब जनाब सैयद सज्जाद जो जाहिर है कि इमाम वक्त तो हैं ही और साथ ही साथ दुनिया के लिए नमूना भी हैं, आपकी जिंदगी को देखें आप, चाहे यजीद के दरबार का खुतबा हो या वाकई करबला के बाद की पूरी जिंदगी, ये कोई मामूली
किरदारी मौजजा, मामूली मौजजा नहीं है ये कि वाकई करबला के बाद इमाम की जिंदगी सिर्फ शुक्र में गुजरी, सब्र के साथ शुक्र, और उसके साथ यही नहीं कि सिर्फ आपने इबादतें की, सजदे किए, दुआएं की हैं। कभी कभी हम लोग एक रुख पर ज्यादा फोकस करते हैं तो लगता है कि इमाम का काम बस दुआ करना था। यह भी आइम्मा मासूमीन की जिंदगी और उनकी हयात का एक मौजजा है कि जिस कमाल के एतबार से आप इमाम को देखें उस कमाल में ऐसा लगता है कि बस इनका काम यही था, खिदमत खल्क में लगता है कि ये काम बस खिदमत खल्क ही में मसरूफ रहा करते थे। चुनांचे इमाम की जिंदगी में है और इसे उलमाए इस्लाम ने अपनी तारीखी किताबों में लिखा है। मैं खुद अपनी एक जगह पर एक हिंदुस्तान में एक बड़े शहर में उलमाए अहले सुन्नत के इज्तिमा में भी एक बड़े आलिम इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहकर कह रहे हैं और वो किसी और बात का रेफरेंस देते हुए कहते हैं कि जब इनकी रहलत हो गई, जब वो दुनिया से उठे तो कई सौ खानदान ऐसे मिले जिनके दरवाजों पर बाकायदगी के साथ गल्ला और अनाज दरवाजे पे पाया जाता था और शहादत तक पता ही नहीं चला था कि रात की तारीकी में कौन रख जाता है। जब इमाम शहीद हो गए तब पता चला कि ये सैयद सज्जाद थे जो लोगों के दरवाजों पर अनाज रख जाते थे, ये बताते तक नहीं थे कि रखने वाला कौन है। अल्लाह अकबर। देखें हर जमाने का अली, अली जैसा है, अली सिफत है। चनानचे जिन लोगों को ये मदद की जाती थी रात की तारीकी में, इसी तरह का दूसरा वाकया भी है। रात की तारीकी में कोई इमाम के पीछे पीछे चल रहा है, इमाम अकेले जा रहे हैं, मुड़ के इमाम ने देख लिया, क्या बात है मौला आप अकेले जा रहे थे, मैंने कहा कि कोई खास बात आपके साथ ना हो जाए, मैंने आपका पीछा किया, चलो ठीक है आ गए हो तो आ जाओ। इमाम लोगों के, बहुत से लोग जो नादार हैं, बेघर हैं आज के ज़माने में, आप होमलेस जैसे लोगों के सराहाने खाने रखते जा रहे हैं, रोटियाँ रखे जा रहे हैं, मौला इनमें से तो बहुत से लोग आपके चाहने वाले भी नहीं है, बहुत से लोग आपके मानने वाले भी नहीं है, हो सकता है बहुत से इनमें से दुश्मन भी हो। तो एक मरतबा इमाम फरमाते हैं तो क्या हुआ, भूखे तो हैं। देखें मदद करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए है, यह आइम्मे मासूमीन का किरदार है। कदीम उलमा के जुमलात हैं इस हवाले से, बुजुर्गों ने, मराजे ने कहा और अहादीस में बताया गया। देखें खुदावंद आलम की रहमानियत और रहीमियत का मजहर इमाम होता है। कैसे का खुदा जब देता है तो फिरौन पे पानी बंद नहीं करता, नमरूद पे हवा बंद नहीं करता। खुदावंद आलम की रहमत आम है, इमाम की रहमत भी आम होती है। वो अपनों को भी न महा आम इतना कह सकते हैं आज की शब तो के बाद दुश्मनन नजरदारी दोस्तान रा कोजा कुनी महरूम, तो के बाद दुश्मनन नजरदारी। मौला जब आप दुश्मनों पर इतना एहसान करने वाले हैं तो अपने चाहने वालों को कहां से महरूम करेंगे। ये शब वो होती है जिसमें तवस्सुल करके हमें मारिफत की भीख लेनी है इस बारगाह से। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। हैबत, मैं इसी हवाले से अर्ज कर रहा था कि बंदगी परवरदिगार और वो रब्बानी कुव्वत जो बंदगाने खुदा को मिलती है उसके दर्जे अलग हैं। इमाम उसका कामिल मिसदाक होता है। आप इमाम की जिंदगी में देखें, कहने को तो हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, गले में खारदार तो, लेकिन ये मजबूर नहीं है। ज़रूरत पड़े तो एक इशारे से मौज़िनों की अजानों का की आवाज़ को भी बंद कर सकता है। ज़रूरत पड़े तो जालिम की आंखों में आंखें डालकर जवाब भी दे सकता है और ज़रूरत पड़े तो जालिम के दरबार में फ़ज़ाइल भी पड़ेगा, मसाइब भी बयान करेगा, तवल्ला भी करेगा, तबर्रा भी करेगा। इनके वजूद में हैबत है। चुनांचे वो मशहूर वाक़ा आपने सुना है कि सैयद सज्जाद जब खाने काबा के करीब तशरीफ़ ला रहे थे, हैबत की बात हो रही थी, हम सब के लिए नमूना होता ना इमाम की ज़िंदगी। हाकिम बनी उमैया अपने ख़ास लोगों के साथ हज के मौसम में आता है। हज, अब जाहिर है कि इन लोगों ने कह रहे हैं, आप कहने को यही कहा जा सकता है हज बजा लाए, वो हज कौन सा जो बगैर विलायत इमामत के हो और इमाम की दुश्मनी में हो, अहले बैत की दुश्मनी में वो हज कौन सा हज, वो इबादत कौन सी इबादत। चले तारीख ने कहा कि वो हज बजा लाते हुए तवाफ करते हुए और उसके बाद इस्तलाम हजर असवद यानी हजर असवद का बोसा लेने के लिए हाकिम को जो गवर्नर है वो चाहता है कि हजर असवद के करीब पहुंचे ताकि बोसा लें, लेकिन मजमे का रश इतना ज्यादा है, भीड़ इतनी ज्यादा है कि जगह ही नहीं मिलती, क्या किया जाए, कुर्सियां नस्ब की गई, इंतजार में बैठो, साथ में आज की जबान में वीआईपीज, बड़े बड़े दरबारी, बड़े बड़े कमांडर साथ में हैं, दरबारी शायर फरजदक भी है। एक मरतबा तारीख में बयान किया गया है कि वो मुंतजर है कि कोई रास्ता मिले तो खाने काबा के करीब जाए। ऐसे में चौथे इमाम दूर से एक विकार के साथ
इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ ऐसे आ रहे हैं। रिवायत के अल्फाज को मैं अगर एक मफहूम देकर अर्ज करूं, ऐसे लग रहा था जैसे खाने काबा में सूरज तुलू हो रहा हो। आप पूछेंगे भाई सूरज तुलू अंधेरे में होता है, मैं हसास सी बात अर्ज कर रहा हूं, क्या खाने काबा में अंधेरा होता है? हाँ, बगैर इमाम के, बगैर इमामत के काबा में भी अंधेरा है, क्योंकि इमाम जाने काबा होता है, इमाम हासिल काबा होता है, इमामत रूह हज है, इमाम ही से रोशनी है। यही नहीं बल्कि एक और हस्सा जुमला अर्ज करता हूं, कुरान मजीद से भी लोग भटक जाते हैं, इसलिए कि अल्लाह ने कुरान नाजिल किया एक नूर के साथ। अगर इस तरह से इस आयत का मफहूम बयान किया जाए, या लोगों तुम्हारे पास अल्लाह ने किताब को नाजिल किया नूर को, तो कहा गया है कि एक तफसीर या तर्जुमा बयान करने का अंदाज है कि किताब नाजिल किया जो कि नूर है, एक दूसरे रूप से इसको बताया गया कि नहीं, अल्लाह ने किताब नाजिल फरमाई और एक नूर, किसी भी बुक को किताब को पढ़ने के लिए एक रोशनी और लाइट की जरूरत होती है, ताकि देखो अल्लाह ने किताब तो बड़ी मुकद्दस नाजिल की, हमारी जाती जाहिरी जिंदगी में कोई बहुत अच्छी प्रिंटेड बुक हो, उसका उसके पेपर की क्वालिटी भी अच्छी हो, प्रिंटिंग क्वालिटी भी अच्छी हो, सब कुछ हो, लेकिन पढ़ने के लिए एक हद तक लाइट की जरूरत है ना, बगैर लाइट के कोई किताब पढ़ी नहीं जा सकती। बस का यही सादा सा मफहूम अप्लाई होता है, तुम कुरान मजीद की हिदायत को, रुश्द होने को, अम्र मारूफ नहीं अनिल मुनकर होने को, तहारत को, कुरान मजीद की शिफा को, कुरान की जितनी सिफात हैं वो सब हासिल कर सकते हो, शर्त यह है कि विलायत व इमामत की रोशनी में कुरान पढ़ो। तो खाने काबा को भी रोशनी इमामत से मिलती है, कुरान मजीद की हिदायत भी इमामत की रोशनी में हासिल की जा सकती है। सलावात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह में। तो इमाम का खाने काबा के करीब आना ऐसे जैसे सूरज तुलू हो रहा हो, और इमाम जैसे जैसे आहिस्ता से आ रहे हैं, न कोई बंदा आगे पीछे के भाई हटो हटाओ, कहीं कोई रश, कोई आगे बढ़ने वाला नहीं, कोई किसी को मना करने वाला नहीं, इमाम आहिस्ता आहिस्ता कदम रखे जा रहे हैं और मजमा अपने आप छटता जा रहा है, लोगों के दरमियान शगाफ हो रहा है, रास्ता अपने आप बनता जा रहा है। बस बयान करने वाले इसको एक नुक्ता पर्दाजी के तौर पर एक तस्वुर में अर्ज करते हैं, ऐसे लगता है जैसे इमाम जब आ रहे तो मजमा तो बिल्कुल ऐसा खचाखच भरा था जैसे जैसे दरियाए नील पानी से भरा हुआ था, जनाबे मूसा ने असा मारा तो पानी दो हिस्से में बटा, रास्ता दरमियान में रास्ता निकल आया, ऐसे ही जब इमाम आहिस्ता आहिस्ता आ रहे थे तो बिल्कुल अपने आप रास्ता भटता जा रहा है, और इमाम करीब पहुंच रहे हैं, हजरे अस्वद के बोसे इमाम ले रहे हैं या गोया हजरे अस्वद इनके हाथों के बोसे ले रहा है, हजरे अस्वद इनके लबों के बोसे ले रहा है, अजीब कैफियत। और ये इस बात का भी एक पसमंजर दलील है, लेकिन बात लंबी हो जाएगी। हजरे अस्वद इनके हाथों का बोसा लेता है, हजरे अस्वद इनके लबों का बोसा लेता है। खाने काबा जाहिरी चेहरों का क़िबला है, हुसैन और अमीरुल मोमिनीन और अहले बैत ये दिलों का क़िबला है। मैंने एक रिवायत किसी आलिम से सुनी है, एहतियातन अर्ज कर रहा हूँ, इसलिए सुनी है कह रहा हूँ, मुझे याद नहीं कि मैंने पढ़ी हो, कहा गया कि आखिरी जमाने में करबला क़िबला हो जाएगी, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, ऑनलाइन जा रही है, मैं गलत फहमी ना हो, आखिरी जमाने में करबला क़िबला बन जाएगी। तो क्या माज़ल्ला हम लोग इस इंतजार में हैं कि हम किसी वक्त डायरेक्शन चेंज करके अपनी नमाजें खाने काबा से छोड़कर करबला की तरफ पढ़ देंगे? हरगिज़ नहीं, नहीं नहीं, हरगिज़ ये तसव्वुर नहीं है, हरगिज़ ये तसव्वुर नहीं है। हुसैन मुहाफिज़े काबा का नाम है, हमारा सलाम अज़मत काबा पर, अज़मत काबा के लिए इमाम हुसैन ने काबा को छोड़कर करबला की तरफ रुख किया, इमाम हुसैन वो हैं जिन्होंने कुरान को बचाया, काबे की अज़मत को बचाया, हज के तकद्दस को बचाया। फिर उन्हीं आलिम दीन ने एक्सप्लेन किया, समझा भाई काबा करबला आखिरी जमाने में किबला बन जाएगी, मतलब क्या है कि देखो चेहरों का किबला नहीं बदलेगा, दिलों का किबला, जैसे जैसे इंसानियत के दिल हुसैन से करीब होते जाएंगे जमाना इस काबिल बन जाएगा कि वारिस हुसैन दुनिया में तशरीफ लाए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह में। तो ये दिलों के क़िबला हैं, यह कंट्रडिक्शन नहीं है। कभी कभी हम जैसे गुनहगार लोगों के बयान में कभी अल्फाज की कमी होती है, तो हम करबला की अज़मत साबित करते हुए खुदा ना खास्ता कभी ऐसा रुख किसी को समझ में आ सकता है कि हम काबे की अज़मत को घटा रहे। नहीं, काबे की अज़मत कम करना हरगिज किसी के लिए नामुमकिन है और ना ये दुरुस्त बात है, बल्कि अज़मत काबा तो अपनी जगह पर बरकरार और मुसल्लम है, और इसमें तजाद नहीं है, दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। का ये काबे दिल हैं, ये दिलों के क़िबला हैं,
जिनका किरदार चुनांचे जब चौथे इमाम आए तो एक मरतबा इस मंजर को देख करके साथियों में से हाकिम के जो गवर्नर था कहा ये कौन आने वाला है, अजीब मंजर है, ये कौन है, आने वाला कौन है। तो जानता तो था वो हिशाम बिन अब्दुल मलिक, लेकिन अब उसने कहा कि क्यों मैं आप खामखा जो है इनका नाम बता दूं, चुप भी नहीं होता, बाज़ोकात जालिम और मुनाफिक लोग अपना काम खुद ही खराब करते, खामोश भी हो जाता तो मसला नहीं था, मैं नहीं जानता, बस ये कह रहा था मैं नहीं जानता, मुझे क्या पता, न जान नहीं मालूम कौन है। तो फरजदर जो दरबारी शायर है जिसको हायर किया गया था, जिसको बाकायदगी से तनख्वाह और पैसा और तोहफा दिया जाता था, और वो बादशाह और हाकिम के लिए हमेशा शेर कहने के लिए साथ साथ हुआ करता था, जैसे ये मंजर सुना उसके अंदर से दिल की अकीदत छलक गई, एक मतलब वो फिल बदी शेर पढ़ना शुरू करता, हाँ तुम नहीं जानते हो तो मैं बताता हूँ, ये वो है आने वाला जिसे तारिफुल बथा, एक तवील फेरी से अशार की, आने वाला वो है जिसे सरजमीन बथा पहचानती है, जिसे ये मक्का जानता है, जिसे मीना जानता है, जिसे जमजम समा जानता है, ये जमीन जानती है, ये फिजा जानती है, और फिर आगे बढ़ता है फजाइल अहले बैत कमालात अहले बैत, ये दोनों चीजें अलग है, तफसील में इस वक्त नहीं जा रहा हूं, अहले बैत के फजाइल भी बयान करता है, अहले बैत के अखलाकी कमालात को भी, कि इन्होंने किया क्या, ये हां हैं कौन, इन्होंने किया क्या, ये वो हैं कि जिसका बाबा वो है, ये वो है कि जिसका जद अहमद मुख्तार है, ये वो है कि जिसका दादा हैदर करार है, ये वो है कि जिसका बाबा जन्नत के जवानों का सरदार है, ये वो है कि जिनकी जद्दा जन्नत की खवातीन की सरदार है, ये वो है कि ये अभी एक मुकाम पे जाके फरजदक रुका भी नहीं था कि एक मतलब जालिम को गुस्सा आया, आग बबूला हुआ था, कहता अच्छा रहते हमारे साथ हो, फजाइल उनके बयान करते हो, तुमने हमारे हक में कभी ऐसे शेर नहीं कहे, तुमने हमारे लिए कोई, मैंने कहा ना कि कभी कभी जो है मुनासिब अपना काम खुद ही खराब करता है, तुमने हमारे हक में कोई शेर नहीं कहे, फिर एक मतलब बेसाख्ता फरजदक कहता है आखिर मैं कहना भी चाहूं तो कैसे कहूं, मैं अल्फाज बना भी लूं तो कैसे बोलूं, कोई तो जद तो लाइन के जद जैसा, कोई जद्दा लाइन की जद्दा जैसी, कोई बाबा लाइन के बाबा जैसा, कोई किरदार लाइन की किरदार जैसा, अल्फाज होते हैं मानी को बयान करने के लिए, पहले मफहूम मिले तो अल्फाज तय किए जाए, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह। चनांचे रिवायत में है कि जालिम को बड़ा गुस्सा आया, उसने फरजदक को जिला वतन किया, ना कि सिर्फ उसका उसकी तनख्वाह और उसका जो हक था या जो मिलता था उसको पैसा वो बंद किया गया, बल्कि जिला वतन कर दिया गया, एक तरह से सजा दी जाने लगी। इमाम ने मखसूस तोहफा भेजा, फरजदक ने वापस करना चाहा, मौला नहीं, मैंने अपने हकीकी इश्क का इजहार किया था, मेरा माजी अच्छा नहीं था, लेकिन जब मौका आया तो मैंने हक का इजहार कर दिया, मुझे नहीं चाहिए। इमाम ने जवाब दिया हम अहले बैत किसी को दे देते हैं तो वापस नहीं लेते हैं। मैं यहाँ पर रुक कर आप लोगों की तरफ से अर्ज करते हैं, मौला इमाम ज़माना हम आपके जद की मजलिस में हाजिर हुए हैं, हमें भी भीख दीजिए, हमें भीख मिले कैसी आपकी मारिफत की, दुनिया हमारी नज़र में हकीर हो जाए, हम आपके काबिल बन जाएं, हमारे अंदर इतनी ताकत हो कि हम अपने आप को अपनी औलादों को आपकी नुसरत के लिए आमादा करें, हम दुनिया के दज्जाली निजाम का हिस्सा ना बने, दुनिया के बहते हुए फिस्को फजूर के माहौल में बह न जाएं, बल्कि दुनिया के फिस्को फजूर के माहौल को करबलाई निजाम देकर, करबलाई पैगाम देकर सराहे रास और राह इस्लाह की तरफ लेकर के आए। ठीक है, ये इमाम की जिंदगी होती है, इमाम की हैबत है। चुनांचे इमाम की जब शहादत हो गई तो किसी ने पूछा कनीज से कि तुम्हें इतना मौका मिला था, शरफ मिला था, सैयद सज्जाद के बारे में कुछ बताओ। उसने कहा कि मैं तफसील से बताऊं या मुख्तसर, का अगर मुख्तसर बता सकती हो तो बता दो। का मुख्तसर ये कि मैंने फरजंदे हुसैन इब्न अली के लिए दिन में कभी दस्तरखान नहीं बिछाया, दिन में कभी दस्तरखान नहीं लगाया, रात में कभी बिस्तर नहीं बिछाया। अच्छा, यहाँ पर रुक कर फिर एक मैं पैगाम और अपने और आपके लिए अर्ज़ करूँगा, वो क्या है, कभी कभी हम लोग होता है ना कि मुझे आपको हम में से कुछ लोगों को नमाज का, तिलावत का, दुआ का बड़ा शौक़ हो गया, तो हम समझते हैं कि हमें दुआ और नमाज का शौक़ है, कुछ लोगों को आज़ादारी का, मातम का शौक़ है, बाज़ औक़ात ऐसी कभी कभी बहसें भी होने लगती है मारिफत की कमी की वजह से। मैं कोई तंज या कोई इख्तलाफी बहस नहीं बता रहा हूँ, एक तसव्वुर, कभी लोग समझते हैं सादे अल्फाज में कर दूँ खुल के, तो कभी कहते ना कि भाई एक तबका या कुछ लोग हो सकते हैं जिनको आज़ादारी का बड़ा शौक है, मातम का बड़ा शौक है, आज़ादार हैं, मातमी हैं, मुसलसल उनको
अजार से लगा हुआ है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ज्यादा इबादतों से सजदों से। खुदा की कसम सैयद सज्जाद की पूरी जिंदगी को आज की शब अगर खुलासा करके हम देखना चाहें तो क्या है, कहा सबसे बड़ा इबादत गुजार वो जो सबसे बड़ा आजादार हुसैन है। यानी करबला के बाद, क्योंकि साल शहादत के हवाले से तारीख में इख्तलाफ है, इसलिए मैं कह रहा हूं 30-35 साल, 30 साल से कुछ कम या ज्यादा का अरसा, कम अज कम जो भी तारीख ली जाए, इस पूरे अरसे में जनाब सैयद सज्जाद के तमाम कारनामों को अगर खुलासा करके हम देखें तो क्या है, का इबादत के जलवों की इंतहा जो जाहिर करे, हुसैन पर गिरिया और आजादारी की इंतहा जिसके किरदार से भी जाहिर हो, लोगों को भी तशवीक कराए, जो किसी के घर जाता नहीं किसी खुशी में, वहां फर्श अजाए हुसैन का अहतमाम होता है तो जाकर उस जगह पे बैठ जाता है जहां पर आमतौर पर लोगों की जूतियां रखी जाती हैं। यानी नमाज और सजदों की भी इंतहा सैयद सज्जाद से, आजादारी और गिरिए की इंतहा भी सैयद सज्जाद से। आज की शब का सबसे बड़ा पैगाम यही है कि जो जितना बड़ा सजदा गुजार होगा उतना ही बड़ा आजादार हुसैन होगा, जो जितना बड़ा मातमी होगा इमाम हुसैन का वो उतना ही बड़ा नमाजी और इबादत गुजार और सजदा गुजार होगा। ये सैयद सज्जाद के किरदार के जलवे हैं। चुनांचे मैंने अर्ज किया ये मजबूर इमाम नहीं था, ये तो जमाने की जरूरत थी, इस्लाम को बचाना था, इस्लाम को नहीं सिर्फ बचाना नहीं बल्कि मुनासिब लफ्ज इस्तेमाल करूं, इस्लाम को कैद से छुड़ाना था, इस्लाम पर पड़ी जंजीरों को हटाना था, इस्लाम की गर्दन से तौक को निकालना था। सैयद सज्जाद ने तौक पहनना गवारा कर लिया, जंजीरों को बर्दाश्त कर लिया। मैंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए ये भी जरा सोच समझ कर ही, अगर किसी को पसंद ना आए तो बुरा ना माने। एक मुकाम पर मौला इमाम हुसैन का कलाम है, क्या तुम नहीं देखते कि इन बनी उमैया के जालिमों ने दीन को कैदी बना लिया है। ये अल्फाज मिलते हैं, दीन को जिन्होंने कैद कर लिया था, कुरान को कैद कर लिया था, उनवान इस्लाम को कैद कर लिया था। इमाम हुसैन की कुर्बानी के बाद सैयद सज्जाद और जनाब ज़ैनब ने अपनी कार्रवाइयों के जरिए से इस्लाम को आजाद किया, कुरान को आजाद किया, दुनिया के सामने बता दिया कि देखो इस्लाम और कुरान वो नहीं है जो बनी उमैया के करतूतों में है, इस्लाम और कुरान को देखना चाहो तो करबला के आईने में देखो। ये है हकीकत इस्लाम। चुनांचे पूरा खुतबा नहीं पढ़ना है, पहले आप सुन चुके हैं, सुनते रहते हैं, आज की तारीख से मरबूत करते हुए बस रब देने के लिए, जब एक खतीब दरबारी जा करके वो दरबार जो जालिम का सजाया हुआ है अपने तौर पर, वो अपने जामे बातिल में अपनी कामयाबी का जश्न मनाने के तौर पर जिस दरबार को सजाता है, और जालिम दरबारी खतीब जा करके अहले बैत पर बुरा भला कहता है, तो इमाम फरमाते हैं, आपके सुने हुए जुमलात हैं, मुझे थोड़ा सा एक दो जुमलों का नतीजा लेना है, क्या मैं लकड़ियों के इन मजमुओं पर जाऊं, यानी वो मिंबर जिससे हक़ मिंबर अदा ना हो, जिससे हक बयान ना हो, वो मिंबर नहीं कहलाता, वो लकड़ियों के टुकड़े हैं। ठीक है, यजीद ने मना किया, लोगों ने कहा तेरा कैदी है, मजबूर है, ज़ाहिरन बीमार है, बेकस है, क्या कर लेगा, कुछ बोलने दे, बोलने तो दे। तवज्जो करें, कुरान मजीद की जब तफसीर होती है तो एक बहस होती है कि कुरान मजीद की बहुत सी आयतें ऐसी जिनका शान नुज़ूल क्या है। शान नुज़ूल यानी उसका जो इवेंट ऑफ ओकेशन या वो बैकग्राउंड पस मंज़र, मसलन आयत तथीर कब नाजिल हुई, उसकी शान नुज़ूल ये है कि ज़रे के साथ पंजतन आए। बहुत सी आयत तो कुरान मजीद के लिए शान नुज़ूल है, मखसूस आयत के मखसूस हालत में है, लेकिन उसका मैसेज यूनिवर्सल है। लेकिन वो खास तौर से जैसे जंग में नाजिल हुई है, मैदान मुबाहला के लिए खास आयतें नाजिल हुई हैं, खास आयत नाजिल हुई। सैयद सज्जाद ने खुद जो खुतबा इरशाद फरमाया उसका शान नुज़ूल क्या है, यानी किस माहौल में, आप बड़े एहतराम से, इज्जत से, रिस्पेक्टफुल माहौल में हमें सुन रहे हैं, चंद जुमले हम आपकी खिदमत में अर्ज करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। अगर आप मुझसे कहते हैं कि आप जाके ये आम लोगों में, आप किसी मॉल में जा करके, ग्रोसरी स्टोर में जा करके लोगों से थोड़ा सा कह दें कि हमारे पास एक कुर्बानी की मिसाली कुर्बानी है इमाम हुसैन से, तो शायद मैं समझता हूँ मेरे लिए इतना आसान नहीं है। ठीक है, मुश्किल होता है कोई भी, हालांकि वो मेरा दुश्मन नहीं है, वो कातिल नहीं है, उसके हाथ में गन नहीं है कि मुझ पर फायर कर दे। आम इंसान ज़्यादा से ज़्यादा गौर से सुनेगा, नहीं भी सुनेगा तो चला जाएगा, लेकिन इतना आसान काम नहीं है। ऑडियंस अलग अलग होते हैं, अपनों के दरमियान, चाहने वालों के दरमियान, दुआ और दाद के दरमियान, दुरूदों के दरमियान सुनाना भी बड़ा शर्फ है, मगर आम लोगों तक कोई पैगाम हुसैन पहुंचाए उसका मुकाम
यकीनन कुछ बेहतर हो सकता है अज्र के हवाले से। अच्छा, कोई जालिम तरीन जालिम के सामने वो जो दुश्मन हो, उसका लश्कर, उसका उसकी फौज, उसका हथियार, सब कुछ माहौल उसका, मेहमान उसके, और फिर कोई मामूली बात नहीं होती। तकरीर करने के लिए, स्पीच देने के लिए इंसान थका हुआ ना हो, बीमार ना हो। देखिए, मैं सादा सी चीजों की तरफ इशारा कर रहा हूं, जरा सा गौर करने के लिए, उस माहौल की संजीदगी को महसूस करने के लिए। इंसान बीमार ना हो, थका हुआ ना हो। अगर कोई बड़ा मुसीबत ज़दा है, एक बड़ी मुसीबत आ गई है, तो आप उससे कह देंगे आज आप कुछ तकरीर कर लें, बहुत मुश्किल मामला होता है। आप तसव्वुर करें, सैयद सज्जाद ने किस माहौल में, शायद रूह अली खालिक़े नहजुल बलागा मौला अली की रूह भी आकर सैयद सज्जाद को खिराज पेश कर रही थी, ए मेरे फर्जंद अली, हाँ मैंने भी हाकिम शाम के जवाब में एक खत में लिखा था। और ये कलाम इमाम का वैसा ही मिलता है, अमीरुल मोमिनीन का, जो जनाब ज़ैनब के खुतबे से मिलता जुलता है, जनाब सैयद सज्जाद के खुतबे से मिलता जुलता है। वो क्या है, जिसमें इमाम फरमाते हैं कि तूने खत लिखा था और तूने दूसरों की बात की। उसके बाद मौला कायनात अली अपनी जबान से अहले बैत के फजाइल बयान करते हैं। अल्लाह अकबर, फजाइल अमीरुल मोमिनीन बज़बान अली। हम वो हैं कि हमजा सैयद शहदा हम में से, अहमद मुख्तार हम में से, जाफर तैयार हम में से, जन्नत की औरतों की सरदार हम में से, जन्नत के जवानों के सरदार हम में से। मौला अली की रूह भी पहुंची होगी, ए सैयद सज्जाद, ए मेरे लाडले, जो मैंने एक पुरम माहौल में खत की शक्ल में लिखा था, तूने जालिमों के दरबार में उनके मजालिम की इंतहा पर अपनी मुसीबत और बजाहिर बेकसी की इंतहा पर तूने इस तरह से पढ़कर ऐलान कर दिया कि हमारा वो पैगाम आम हो गया। तुमने अनोखे अंदाज से आज दरबार शाम को फतह किया, बाबे खैबर को उठाकर जंगे खैबर का फतह करना एक अलग तरीक़ेकार था, दरबार शाम में शाम को फतह करना एक अलग मारेका था, जो मखसूस तरीके से सैयद सज्जाद और जनाब ज़ैनब ने जिस मारेके को सर किया। आप वो खुतबा सुनते हैं, आमतौर पर सैयद सज्जाद जब खुतबे पे गए तो उसके बाद अल्लाह की हमदो सना, क्या कहना है इन शख्सियतों का, इन ज़वात मुकद्दसा का, इतनी मुश्किल कैफियत और इतने सख्त हालात में अल्लाह की ऐसी हमदो सना करते हैं, ऐसा शुक्र बजा लाते हैं, ये कोई और कर नहीं सकता। फिर उसके बाद इमाम फजाइल बयान करते हैं, तुलानी खुतबा है, मुख्तलिफ नुस्खे उसकी रिवायतों में मुख्तलिफ रावियों के जरिए से मिले, मगर जो कम अज कम कॉमन है, सब में पाया जाता है, वो ये है कि मौला अल्लाह की हमदोसना फरमाते हैं, अहले बैत के फजाइल, अहले बैत के कारनामे, अहले बैत के अखलाकी कमालात, अहले बैत के सिफात, फिर दुश्मनान अहले बैत की रजाइल, उनकी खबासतें, उनकी शरारतें, उनके सिफात की बदी और उनकी बुराई को भी बयान करते हैं। मैं लफ्जों को बदल दूं अपने तौर पर, फजाइल भी हैं यानी तवल्ला भी है, तबर्रा भी है, और उसके बाद एक मुकाम वो भी आता है, फजाइल के बयान करने के साथ मसाइब बयान करने का वक्त आता है। तुम में से जो मुझे जानता है जानता है, जो नहीं जानता पहचान ले मैं कौन हूं। सीधे नहीं पहुंचते क्योंकि पूरी तारीख इस्लाम और इस्लाम की तस्वीर दिखानी है। मैं वो हूँ अनबन मक्का मोमिना, मैं मक्का मीना का बेटा हूँ, मैं जमजम सफ़ा का बेटा हूँ, और उसके बाद पूरे शायर इस्लामी के तस्करे के साथ रसूलुल्लाह के कमालात, अमीरुल मोमिनीन के कमालात और सिफात और फजाइल बयान करते हुए एक मरतबा औज खुतबे का वहाँ पहुँचता है, जहाँ पर सैयद सज्जाद फरमाते हैं कि मैं वो हूँ कि जिसके बाबा को प्यासा शहीद किया गया है, मैं वो हूं, मैं उसका बेटा हूं कि जिसकी रगे गर्दन को कटा किया गया, मैं वो उसका बेटा हूं जिसके बदन को पामाल किया गया। एक मरतबा दरबारे यजीद में पहले लोगों के सर झुके, फिर रोने की आवाजें आने लगी, फिर सस्कियां बुलंद होने लगी। एक मरतबा यजीद परेशान हो, मौज़िन जा अजान कह दे, मौज़िन ने अजान कहना शुरू किया, अल्लाह अकबर, जनाब सैयद सज्जाद खामोश हो गए, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, मौज़िन ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरा गोश्त, मेरा पोस्ट, मेरा वजूद, मेरी रूह गवाही देती है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। बस एक मरतबा मौज़िन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, ये मुकाम था जहां पे इशारा किया सैयद सज्जाद ने, मौज़िन रुक जा, यजीद बता, ये जिस मोहम्मद की रिसालत की गवाही दी जा रही है, ये तेरा जत्था या मेरा जत्था? अगर मेरा जत्था, मेरे बाबा का जत्था, तो बता किस कसूर में हुसैन इब्न अली को शहीद किया गया। और उसके ये वो मुकाम था जहां पर
ظالم کو اس کے دربار میں نہ یہ کہ صرف ذلیل کیا بلکہ پوری منطق لاجک قرآن حدیث ہر اعتبار سے امام حسین کی جیت کا اعلان کر کے گویا توحید اور قرآن کی حقانیت کا اعلان کر دیا اور یہی وجہ تھی اسی منظر کے بعد جناب سید سجاد اور جناب زینب کے خطبوں کے بعد ظالم اہل حرم کو رہا کرنے پر مجبور ہوا ورنہ اس کی کوئی چوائس نہیں تھی یہ نہیں تھا کہ یزید کا کوئی نظریہ بدل گیا ہاں یہ معرکہ جناب سید سجاد نے سر تو کیا طے تو کیا لیکن مولا کے دل پر کیا گزری مولا نے یوں تو کربلا کی ہر مصیبت کو یاد کر کے گریا کیا لیکن جب بھی شام کی مصیبتوں کا تذکرہ ہوتا پوری زندگی گریا کیا سید سجاد نے عزادارو آج اس مظلوم امام کی شہادت ہے جو گواہ کربلا بھی ہے جو سب سے بڑا عزادار بھی ہے جس نے تاریخ میں اپنی آنکھوں سے وہ دیکھا جو کسی اور نے نہیں دیکھا مولا کسی بھی قصاب کی دکان سے گزرتے تو آواز دیتے یاد رکھنا جب تک حیوان کو جی بھر کے پانی پلانا دینا اسے ذبح نہ کر لینا مولا گریا کرتے ہوئے آج جا رہے ہیں سنگ ناہموار پہ آپ نے اپنی پیشانی رکھی ایک ہزار مرتبہ ذکر پروردگار کیا آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب ایسے جاری ہوا جیسے جس کی قطاریں اور جس کے قطرے زمین پر بہنے لگے آ کر چاہنے والے نے اپنے طور پر مولا کو تسلی دینے کی کوشش کی مولا کب تک گریا کیجئے گا مولا کتنا گریا کیجئے گا تو نے انصاف نہیں کیا یعقوب کے 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹا آنکھوں سے اوجھل ہوا یعقوب نے اتنا گریا کیا کہ قرآن کہتا ہے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی کمر خمیدہ ہو گئے بال کے بال سفید ہو گئے میں دیکھتا رہا میرا بابا شہید کیا گیا میرے بھائی شہید کر دیے گئے اجر و کمال اللہ جب بھی آپ کے سامنے پانی لایا جاتا آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو جاتا ظالم بنی امیہ کی حکومت نے امام کو کربلا کے بعد بھی ایک لمحہ سکون سے رہنے نہیں دیا یہ جو دعاؤں کو ہتھیار بنایا شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ تقریر و تدریس کے لیے ماحول نہیں تھا دعا کے ذریعے سے پیغام اسلام پہنچاتے رہے امام کو زہر دیا گیا اور زہر دغا کا اثر جب بدن پر ظاہر ہونے لگا امام کی کمزوری اور امام نے اپنے فرزند امام محمد باقر کو بلایا اور جو وصیتیں ملتی ہیں ان وصیتوں میں خاص کچھ باتیں بھی ہیں جن میں یقیناً ایک درد بھی ہے ایک پیغام بھی ہے بیٹا جس ناقے پر میں نے 20 سے زائد حج کیے ہیں خبردار اس کے ساتھ سختی نہ کرنا کبھی میری سواری کو تازیانہ نہ لگانا مولا کو ایک جانور پر تازیانہ نہ لگائے جانے کا اتنا خیال ہے وہ جسے کربلا سے کوفے سے شام صرف خاردار راہوں سے نہیں گزارا گیا نیزوں اور تازیانوں سے اذیتیں بھی دی جا رہی تھی بیٹا کبھی اس کے ساتھ سختی نہ کرنا جس کا دنیا میں سوائے خدا کے کوئی مدد کرنے والا نہ ہو ایک مرتبہ وہ وقت بھی آیا اللہ اکبر سید سجاد نے بڑی مصیبتیں جو دیکھی تھیں ظاہر ہے اس کے بعد مدینے میں بہت بڑے فتنے بھی ہوئے تھے دیکھیں یہ اخلاق و کردار کی انتہا بھی ہے اور فضا مصائب کی بھی انتہا ہے کربلا کے بعد واقعی کربلا کے بعد شام کے بعد وہی مروان وہی بنی امیہ جنہوں نے اتنی اذیتیں پہنچائی تھیں جب ان لوگوں کو مدینے میں حالات ایسے ہوئے کہ پناہ کی ضرورت پڑی تو جس گھر میں بنی امیہ کی عورتوں کو مروان کے خاندان کی عورتوں کو پناہ دی گئی وہ سید سجاد کا گھر تھا کربلا کے بعد یہ کردار سید سجاد تھا اور پھر مدینے میں مشہور تھا آپ کی سخاوت آپ کی کرامت آپ کا اخلاق آپ کی عبادتیں دشمن ضرور تھے مگر احترام کرنے پر مجبور تھے عزادار و تاریخ کہتی ہے کہ آخری لمحات ہیں اس عزادار حسین فرزند حسین غم خار حسین گواہ شہادت حسین کا سر ہے اور امام محمد باقر کا آغوش ہے ایک مرتبہ پیشانی مبارک سے موتیوں کی طرح سے پسینہ جاری ہوا شہادت کا زبان پر ذکر پروردگار ہے گویا امام حسین آگے اے میرے لال سجاد عصر عاشور تجھ سے جدا ہوا تھا تیرا دل بہت ٹوٹا ہوا تھا نا آجا آج میری آغوش میں آجا
ایک مرتبہ خاندان بنی ہاشم سے رونے کا کہرام اٹھا، اب چاروں جانب سے لوگ جمع ہونے لگے، عزادار تاریخ کہتی ہے کہ چاہنے والے بھی آگئے، غیر بھی آگئے، دشمن بھی آگئے، اور جب جنازہ اٹھانے کا وقت آیا تو عجیب کیفیتیں ہوئی، ایک تو یہ کہ مولا امام محمد باقر جب اپنے بابا کے بدن اطہر کو غسل دے رہے تھے تو ایک مرتبہ لوگوں نے کیا سنا، امام محمد باقر بے ساختہ تڑپ کر ویسے ہی چیخ کر روئے جیسے مولا علی جناب سیدہ کے بدن کو غسل دیتے ہوئے روئے تھے، لوگوں نے پوچھا اس طرح تڑپ کر رونے کی کیا بات ہے، کہ میرے بابا کا بدن اب بھی زخمی تھا، میرے بابا کی گردن، میرے بابا کی پشت پر اب بھی زخموں کے نشان تھے، میں عرض کروں گا مولا، اے مولا امام محمد باقر آپ نے اپنے بابا کی پشت پر زخم کے کچھ نشان دیکھ لیے، لیکن اپنے بابا سے پوچھے ہیں جب حسین مظلوم کا لاشا بے گوروں کا بن لاشا گوروں کی ٹاپوں سے چھلنی کیا جا رہا تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پیروں میں بیڑیاں، عزادار تاریخ کہتی ہے کہ جب سید سجاد کا جنازہ چلنے لگا تو بہت بڑا مجمع جمع ہو گیا، ایک مجمع کثیر، ہائے اب مدینے میں مولا یا مولا یا کی آواز نہیں گونجے گی، اب مدینے والے سید سجاد کی دعاؤں کی وہ مقدس آوازیں نہیں سن پائیں گے، کثیر مجمع تشییع جنازہ کے لیے آ گیا، بقیہ کے جانب جنازہ چلا، اے مولا امام زمانہ ہم سے پرسہ قبول کیجئے گا، اے مولا امام محمد باقر ہم سے پرسہ قبول کیجئے گا، مولا یقیناً آپ کے بابا مظلوم ضرور تھے، جنازہ اتنی شان و شوکت کے ساتھ اٹھا، ذرا سید سجاد کے بس آخری جملہ مجلس تمام ہے، سید سجاد کے دل سے کوئی پوچھے، بیان کیا گیا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد مدینے میں مدینے کی گلیوں سے گزرتا ہوا ایک ضعیف اجنبی، کوئی غریب جس کا کوئی نہیں تھا، لوگوں کے درمیان منادی کرتا جا رہا تھا، لوگوں میری مدد کرو، ارحمونی انا رجل غریب، میری مدد کرو، میرا کوئی یاور اور ناصر نہیں ہے، میں اکیلا ہوں تنہا ہوں، میری مدد کرو، سید سجاد نے قریب بلایا، پوچھا بتاؤ کیا کہتے ہو، یہی کہ میں غریب ہوں میری مدد کرو، ایک مرتبہ امام نے پوچھا بتا اگر خدا نہ خواستہ مدینے میں تیری موت واقع ہو گئی تو کیا تو یہ تصور اور توقع رکھتا ہے کہ تیرے جنازے کو دفنایا جائے گا، ایک مرتبہ اس نے بلند آواز میں تکبیر بلند کی، اللہ اکبر، مسلمانوں کا مدینہ اور میں مر جاؤں مجھے دفنایا نہ جائے، ایک مرتبہ سید سجاد نے آنکھیں کھینچی، سر کو پیٹا، آنے والے جا اپنے آپ کو غریب نہ کہنا، غریب تو میرا بابا تھا جس کا لاشا بے گور و کفن کربلا کی تپتی نے پر پڑا رہا، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون، پروردگار ہمارے قلیل اعمال قبول فرما، ہماری نیک توفیق میں اضافہ فرما، ہمیں اپنی کوششوں میں اخلاص نیت کی توفیق میں اثر فرما، پالنے والے حاضرین و بانیان اور والنٹیئر سب کی خدمات کو قبول فرما، ہم سب کو اتحاد و قوت و بھائی چارے کی توفیق میں اثر فرما، ہمارے رزق ایمان و یمین میں یقین میں اضافہ فرما، ہم کو ہماری اولادوں کو ہماری ذریتوں کو امام حسین کی راہ پر چلنے اور زمانے کے امام کی نصرت کے قابل بننے کی توفیق میں اثر فرما، پالنے والے آزاداروں کی، عزا خانوں کی، زیارت گاہوں کی، زائرین کی حفاظت فرما، علماء کرام، مراجع اعظم، رہبر انقلاب، انقلاب اسلامی کی حفاظت و نصرت فرما، پالنے والے امام کے ظہر میں تعجیل فرما اور ہم سب ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ما تمنا حسین